अभी कक्षा 10वीं के छात्र हैं और आप भी 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और खासतौर पे आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप गणित में 70 में 70 नंबर पा सकते हैं और यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बिल्कुल क्या है मॉडल पेपर है। देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे ही क्या होंगे पेपर आपके सामने आने वाले हैं। ये पूरा का पूरा मैं क्या करूंगा पेपर का सोल्यूशन भी इस वीडियो में कराऊंगा। यहाँ पे आपको पूरा पता चल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और कैसे आपको सॉल्व करना है, कौन कौन से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं ये जो पूरा पेपर आप लोग देख सकते हैं 7 पेज में ये पेपर है। मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। ये पूरा पेपर आपका क्या है 7 पेजों में, यानी आप देख सकते हैं जितना भी प्रश्न इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं सबके प्रश्न है। एक एक प्रश्न का मैं आपको सोल्यूशन कराऊंगा। बसरते आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। बिल्कुल आपके सामने यूपी बोर्ड मॉडल पेपर 2024 आप देख रहे हैं, बिल्कुल 100% श्योर रहिए बिल्कुल ऐसे ही क्या होगा पेपर आपके सामने आएगा। आपका भी सपना है बोर्ड एग्जाम में गणित में 70 में 70 नंबर पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना, चूंकि अगर स्किप करते हैं तो आपका भी नंबर बोर्ड एग्जाम में कम हो सकता है। तो चलिए सुनो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप जब पेपर देने जाएंगे तो सबसे पहले आपको अनुक्रमांक लिखा रहेगा, जहां पे आपको रोल नंबर लिख देना, अपना नाम लिखना है, पेपर का कोड लिखा रहेगा, ठीक है ना। इस प्रकार आपको कक्षा लिखा रहेगा, गणित लिखा रहेगा और यहाँ पे देखिए कुछ आपको निर्देश भी दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आपको दिया गया है कि जो समय आपका है 3 घंटे 15 मिनट है, पूर्णांक आपका 70 है। यहाँ पे देखिएगा बता रहा है कि पहला नोट बता रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है ना। आपको 15 मिनट क्या करना है पेपर को पढ़ना है, 3 घंटे 15 मिनट का समय है तो 15 मिनट आप जरूर पेपर को पढ़िएगा। दूसरा नोट दिया गया कि प्रश्न पत्र को 2 खंड अ और ब में विभाजित किया गया है। यहाँ पे बता रहा है कि खंड अ में क्या है 20 आपके क्या है बहुविकल्पी प्रश्न है, जिनके उत्तर आपको क्या करना है ओएमआर शीट पे देना है। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह का ओएमआर शीट होता है जहाँ पे आपको सही आंसर भरना है। यहाँ पे देखिएगा चौथा लिखा गया है कि खंड ब में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है ना। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनका अंक भी दिया गया है इस पेपर में, बिल्कुल आपको दिया गया है जिस प्रकार आपका पेपर आने वाला है बिल्कुल वैसा ही पेपर है। तो यहाँ पे चलिए बिल्कुल देर नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं एक एक प्रश्न का सोल्यूशन कराते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट जो सिलेबस है उसी के अनुसार ये पेपर है। तो बिल्कुल एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखना आपको दिया गया है कि संख्या 15, 18, 24 का आपको क्या करना है एलसीएम बताना है। आपको पहला ऑप्शन दिया गया है 90, दूसरा दिया गया 120, तीसरा आपको दिया गया 240 और चौथा आपको दिया गया 360। तो आप सभी को एलसीएम निकालना आता होगा, इसमें बताने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रश्न का मैं सोल्यूशन आपको नहीं बताता, एलसीएम सभी लोग निकालना जानते होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका आएगा 360 आएगा, यहाँ पे चौथा वाला आपसे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा, अगर कहीं डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे दूसरा प्रश्न देख सकते, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी जो भी प्रश्न है ना आपको खुद वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे ना तो आपको खुद लगेगा कि ये जो प्रश्न है बिल्कुल क्या है इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही प्रश्न क्या होते हैं बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न आपको दिया गया भैया 10 72 अंश / cot 18 अंश का मान बताना। अभी मैं आपको ऑप्शन भी दिखा दूंगा। अब देखिए आपको ऑप्शन दिया गया भैया 1 से कम हो सकता है, 1 से अधिक हो सकता है, 1 हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं। आपको स्क्रीन पे एक बार प्रश्न को लगा देता हूं, आप लोग देख सकते हैं प्रश्न बहुत ही आसान है। चलिए इसका हम क्या करते हैं आपको सोल्यूशन बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको दिया क्या है, हमको प्रश्न दिया गया है कि 10 हमारे पास क्या है 72 अंश और बटा हमको दिया गया है कॉट यहाँ पे क्या दिया गया 18 अंश। देखिए हमेशा ये सेटिंग देता है कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा 90 अंश होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको एक को कोई बदल लेना है। जैसे देखिएगा 10 जो 72 अंश है ना इसके जगह पे आपको लिख लेना है 90 - 18, क्योंकि 90 में से जब आप 18 घटाएंगे तो आपका इजीली 72 मिल जाएगा। और नीचे वाले को क्या करना आपको वैसे लिख देना, मतलब किसी एक को ही आपको बदलना है बराबर। देखिए 10 90 अंश - थीटा आपका होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा के जगह पे आपको 18 अंश है बटा नीचे आपको दिया गया है कॉट 18 अंश, ये कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका जो आंसर आता है 1 आता है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ग वाला ऑप्शन बिल्कुल हम लोग करेक्ट करेंगे, दूसरे वाले का ग वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक एक प्रश्न का मैं सोल्यूशन कराऊंगा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये बिल्कुल क्या है मॉडल पेपर है, बिल्कुल क्या है वायरल पेपर, ऐसे ही पेपर आपके सामने आएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि 3x² - 6x + k की जो मूल है वो क्या है समान है, तो k का मान आपको बताना है। तो चलिए इसका भी सोल्यूशन आपको करा देते हैं। इस कंडीशन में आपको याद रखना है आपको समीकरण क्या दिया गया है, देख सकते हैं आपको समीकरण दिया गया है, ये समीकरण है 3x² -
6x + k = 0। तो कह रहा है कि भैया मूल क्या है, समान है। तो मूल समान होने का मतलब होता है जो विविधकर होता है ना, इसके वैल्यू क्या होता है, जीरो के क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब हो गया जो विविधकर का फार्मूला होता है b² - 4ac होता है बराबर जीरो हो जाएगा। यहाँ पे b की वैल्यू आपको दिया, देखिए ये जो x स्क्वायर का गुणांक होता है इसको a बोलते हैं, x के गुणांक को b बोलते हैं, और जो अचर पद रहता है उसको हम लोग c बोलते हैं। तो b की वैल्यू आपको दिया गया -6, यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, -4 गुणे a की वैल्यू कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। c की वैल्यू आपको कितना दिया गया है, k दिया गया है, बराबर हम कर लेंगे 0। यहाँ पे मैं आपको चीज बताता हूँ, अगर गणित का कोई भी आप चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल क्या कर सकते हैं, जब मैं आपको प्रश्न बताऊंगा तो एक एक प्रश्न आपको समझ में आएगा। आपको ये मैटर नहीं करता आप उस चैप्टर को पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो मैं प्रश्न बताऊंगा एक एक प्रश्न आपको समझ में आएगा। बस इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, लेकिन समझ में आता है तो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। आपको बिल्कुल मैं विश्वास दिला रहा हूं कि एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, बशर्ते आपको क्या करना है, पूरे मन से पूरे क्या करना है, ध्यान से वीडियो को देखना है। यहां पे देखिएगा 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, 4 तो आपको हो जाएगा -12k = आपका 0 हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे 12k = हो जाएगा 36, और यहाँ पे देखिएगा k = आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 36 क्या हो जाएगा 12, क्योंकि ये गुणा है तो इस पक्ष में जाएगा तो भाग हो जाएगा, और 12 तो होता है 36, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगा 3। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं 3 दिया है कि नहीं दिया है, देख सकते हैं ये पहला वाला क वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, प्रश्न समझ में आ रहा हो तो जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर जो प्रश्न है वो बिल्कुल हमें समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का सोल्यूशन आपको करा देते हैं। चौथा प्रश्न आपको दिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 3-4 की x अक्ष से दूरी आपको बताना है। भाई जो बिंदु है वो 3-4 उसी x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी क्या होगा, तो यहाँ पे मैं बता दूंगा। देखिए जब भी आपसे x अक्ष की दूरी पूछता है तो आपको कोटि को लिखना है, और जब आप y अक्ष की दूरी पूछता है तो वहां पे क्या करना है, आपको भुज को लिखना है। यानी x अक्ष से दूरी का मतलब समझ रहे हैं, जैसे ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे चतुर्थांश अगर है तो यहाँ पे आपका x अक्ष ये है और ये y अक्ष है, तो x अक्ष से दूरी का मतलब होता है y की वैल्यू यानी कोट की वैल्यू, और यहाँ पे y अक्ष से दूरी का मतलब होता है भुज की वैल्यू यानी x की वैल्यू। तो यहाँ पे x अक्ष से दूरी आपको पूछा गया है तो y की यानी कोट की वैल्यू को लिख रहा है, तो 4 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे y अक्ष से दूरी पूछता है तो हम क्या करते हैं, 3 को लिखते हैं। इस प्रश्न को आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है, देख सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट जो आपका सिलेबस है 2023-24 का सिलेबस है उसी से ये बिल्कुल मॉडल पेपर लिया गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो प्रश्न है ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है और पेपर भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ये भी समझ में आएगा कि किस तरह का पेपर आएगा, और आपको ये भी समझ में आएगा कि कौन कौन से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि एक पासा एक बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता आपको बताना है। तो देखिएगा आपको ऑप्शन दिया गया 1/6, फिर दिया गया 1/3, उसके बाद से आपको दिया गया 1/2, और देन दिया गया है 2/3। तो अगर जिनको आंसर पता होगा वो कमेंट सेक्शन में बताते भी रहेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा आपको मैं बता दूं कि पासा आप लोग सभी जानते होंगे, लूडो वगैरह खेले होंगे तो उसी को हम लोग पासा बोलते हैं जिससे खेलते हैं, ठीक है ना। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है पासा, आप लोग देख सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि उसमें क्या होता है, 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है, 6, यानी 6 तक के क्या होते हैं, नंबर होते हैं यानी पॉइंट बनाया होता है। जैसे 1 के लिए 1 पॉइंट होता है, 2 के लिए क्या होता है, 2 पॉइंट होता है। तो यहां पे बोला है कि भैया अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होता है, तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो प्रायिकता का फार्मूला होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं कि प्रायिकता का जो फार्मूला आपका होता है वो होता है आने की संभावना, ठीक है ना, आने की संभावना बटा आपका होता है कुल संभावना। ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है, इसको क्या करना है आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आने की संभावना क्या है, तो देखिए हमसे पूछ रहा है कि भैया अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन है, तो देखिए 2 है, 3 है और 5 है। यानी आप देख रहे हैं भैया हमारा 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, मतलब 2 है, 3 है और क्या है, 5 है। तो ये बताइए जब हम पासे को फेंकेंगे तो अभाज्य संख्या कितनी बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है, नहीं तो 2 आ सकता है, नहीं तो 3 आ सकता है, नहीं तो 5 आ सकता है। तो आने की संभावना क्या है, 3 है, लेकिन टोटल जो संभावना हमारा क्या है, 6, मतलब 6 अंक हमारे पास है, उसमें से कोई 3 ही अंक हमारे पास क्या हो सकता है, अभाज्य संख्या आ सकता है। तो यहाँ पे कुल संभावना आपका 6 होगा और आने की संभावना क्या है, 3 है, तो इसको काटेंगे 3 * 3 = 6, यानी 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं
कि 1/2 दिया है कि नहीं दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ग वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, यहाँ पे 1/2 है। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। हम डेली आपको क्या करते हैं, लाइव क्लासेज भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करते हैं, वहां पे मैं क्या करूंगा उस प्रश्न का सोल्यूशन आपको करा दूंगा। चलिए आपके पास अगला प्रश्न देखिएगा, समांतर श्रेणी वाले चैप्टर से लिया गया प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न को सोल्व करते हैं। आपको प्रश्न दिया क्या है आप लोग देख सकते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर -4 है तथा 10वां पद -8 है तो श्रेणी का आपको प्रथम पद बताना है। आपको चार ऑप्शन दिया गया है, पहला -40 है, दूसरा आपको 20 है, तीसरा आपको 28 है और चौथा आपको 36 है। तो चलिए इसका क्या करते हैं, आपको सॉल्यूशन बता देते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, ध्यान से आपको देखना है, यहां पे दे रहा है कि हमारा सर्वांतर, सर्वांतर को हम लोग डी से दिखाते हैं, डी की वैल्यू हमारा -4 दिया गया है। कह रहा है कि 10वां पद यानी A10, याद रखिएगा 10वां पद को A10 से दिखाएंगे, ये आपको दिया गया -8 और यहाँ पे N की जो वैल्यू आपका होगा 10 हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या है, मन पदों की संख्या कितना है 10 है दिया गया है ना, 10वां पद क्या है -8 है, तो N का वैल्यू कितना दिया गया है आपको 10 दिया गया है। यहाँ पे आपसे प्रथम पद पूछ रहा है यानी A की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो देखिये एक फार्मूला होता है, Nवां पद का फार्मूला होता है, An बराबर होता है A+(n-1) इंटू क्या होता है डी होता है। ये फार्मूला क्या करना आपको याद रखना, ये Nवां पद का क्या होता है फार्मूला होता है, ठीक है। वैल्यू को पुट करिए, n की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे A10 हो जाएगा बराबर, a की वैल्यू हमें निकालना है, n की वैल्यू 10 है -1 गुणे डी की वैल्यू कितना है -4 है, और देखिये A10 यानी 10वां पद हमको कितना दिया गया है -8, तो यहाँ पे रख लीजिए -8 बराबर ए, और देखिएगा ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, और 10 में से जब आप 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा गुणे यहाँ पे 4 हो जाएगा, -8 बराबर हो जाएगा A-9 = 36 हो जाएगा, और जब पक्षांतर करेंगे तो A बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 36 माइनस क्या हो जाएगा 8, और 36 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 28, यानी 28 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी मैं आपको ऑप्शन में भी दिखा देता हूँ कि 28 कौन सा ऑप्शन सही होगा, लेकिन आप लोग प्रश्न को एक बार ध्यान से देख लीजिए, सोल्यूशन अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पे न होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या किया जाता है बिल्कुल फ्री में आपको सभी विषयों के लाइव क्लास के माध्यम से बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी कराया जाता है, साथ ही साथ सभी विषयों के वायरल मॉडल पेपर और यहाँ पे क्या होता है ऑफिशियल मॉडल पेपर, यानी जितने प्रकार के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी करा दिया जाता है ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत न हो। तो चलिए 28 देखते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 28 क्या है, ग वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ रहा होगा। चलिए देन इसके बाद से हम लोग क्या करते हैं ना, 7 नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो 7 नंबर का जो प्रश्न आपका है निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है, देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या दिया गया है, कह रहा है कि भैया हमारे पास क्या है, 2 बिंदु है जिनके बीच की दूरी क्या है 10 मात्रक है, तो वाई का मान आपको बताना है, ठीक है ना। तो 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, 2 ऑप्शन इसके बाद मैं दिखा दूंगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास बिंदु क्या दिया गया है, ये P की वैल्यू हमको दिया गया है 2-3 और यहाँ पे Q की वैल्यू हमको दिया गया है 10 है और Y है और यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी D की वैल्यू हमको दिया गया है 10 मात्रक। चलिए बिल्कुल इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, हम सभी को फार्मूला पता है कि D² बराबर हमारा क्या होता है X2-X1 का होल स्क्वायर प्लस आपका होता है Y2-Y1 का क्या होता है होल स्क्वायर। देखिएगा अगर यहाँ से आप स्क्वायर हटाएंगे ना तो यहाँ पे क्या होता है कर्णी लगता है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि सर कर्णी क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर लगाया इसलिए यहाँ पे हमने कर्णी नहीं लगाया, अगर इसकी स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे कर्णी लगेगा। वैल्यू को पुट करिए, आप सभी जानते हैं ये X1 की वैल्यू है, ये Y1 की वैल्यू है, ये X2 की वैल्यू है, ये Y2 की वैल्यू है, D की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10² बराबर X2 की वैल्यू आपको 10 दिया गया है -X1 की वैल्यू आपको 2 दिया गया है, सिंपल यहाँ पे पुट कर देना है, प्लस Y2 की वैल्यू मेरे भाई कितना है Y है, और Y1 की वैल्यू देखिएगा -3 है और पहले से यहाँ पे माइनस है तो -- क्या हो जाएगा +3, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 होगा बराबर, और 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 होगा और 8 का स्क्वायर करेंगे 64 होता है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा Y+3 का होल स्क्वायर। सिंपली आपको समझ में आ रहा है, कुछ नहीं किया गया, 10 में से 2 घटाए गए 8 हुआ है, 8 का स्क्वायर किया है तो 8 + 64 होगा, सिंपली ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इट्स मीन Y+3 का होल स्क्वायर बराबर मेरे पास हो जाएगा 100 - क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। आप सभी को समझ में आ रहा है, यहाँ पे हो जाएगा Y+3 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे 36 हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर कांडी लगेगा, इट्स मीन Y+3
बराबर आपका हो जाएगा कड़ी में 36 और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, एक बार हम धनात्मक लेंगे और जब धनात्मक वैल्यू आप लेंगे तो वाई प्लस 3 बराबर आपका 6 हो जाएगा, चूंकि प्लस वाला हम उठा रहे हैं 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब हम धनात्मक वैल्यू उठा रहे हैं तो यहाँ पे हम प्लस वाला 6 लेंगे और यहाँ पे जब पक्षांतर करेंगे ना तो आगे यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, y बराबर आपका हो जाएगा 6 माइनस 3, चूंकि ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस होगा और 6 में से 3 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 3। तो एक तो आंसर हमारा 3 आ जा रहा है और एक और चलिए हम निगेटिव वाला लेके सॉल्व करते हैं, तो वाई प्लस 3 बराबर आपका माइनस 6 हो जाएगा और यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 6, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा माइनस 9। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो y की वैल्यू आपका हो रहा है माइनस 9 हो रहा है और प्लस क्या हो रहा है 3 हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा दो वैल्यू हो जाएगा। तो चलिए हम ऑप्शन में क्या करते हैं एक बार चेक करते हैं, देखते हैं भैया माइनस 9 और हमारा 3 है कि नहीं। तो चलिए ऑप्शन को आपको दिखा देते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपको पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे माइनस 3 और 9 दिया गया है, खो आपको माइनस 9 और क्या किया गया है 3 दिया गया है। तो जो हमारा आंसर आया आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूं, माइनस 9 और क्या है 3 आया है, तो यहाँ पे खो वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी आपको क्या होगा दो और ऑप्शन दिया होगा, तो चलिए दो और ऑप्शन दिखाते हैं, उससे हमको कोई विशेष मतलब है नहीं क्योंकि हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए आपको बहुत सारा प्रश्न बिल्कुल जैसा पेपर आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है पूरा का पूरा मैं प्रश्न आपको कराऊंगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अभी दूसरे पेज पे हम लोग हैं, देख सकते हैं दूसरा हमारे नंबर का पेज है, हमारे पास कुल कितना है 7 पेज है, बिल्कुल 70 नंबर का पेपर है। तो एक एक प्रश्न को समझेंगे ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर मिल सके, तो जो लोग स्किप करेंगे भाई उनको नंबर कट सकता है। तो अगर आपका सपना है 70 में 70 तो मैं एक ही बात बताऊंगा कि वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करिए। जिनको भी सभी विषयों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के पीडीएफ नोट और मॉडल पेपर और वायरल मॉडल पेपर का पीडीएफ नोट चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और डेली हमारे लाइव क्लास को भी ज्वाइन करेंगे, बिल्कुल आप क्या करेंगे 95% ऊपर नंबर लाएंगे। तो चलिए आपके सामने आ गया अगला प्रश्न, इसमें आपके सामने दो और ऑप्शन दिया गया, तो ये दोनों ऑप्शन क्या है बिल्कुल गलत है, तो इनसे आपको नहीं मतलब रख रहा है। 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किसी स्तंभ की ऊंचाई उसकी छाया से करीब 3 गुना है, तो आपको बताना है कि सूर्य के उन्नयन कोण का मान कितना होगा। आपको ऑप्शन दिया गया है 45 अंश 60 अंश 30 अंश, इनमें से कोई नहीं। सॉल्व करते हैं, बहुत आसान प्रश्न है, आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा स्तंभ है, ठीक है ना, और यहाँ पे जो छाया होगा ये नीचे वाला जो बेस है वही क्या होगा यहाँ पे छाया होगा। तो भैया ये हमारे पास स्तंभ है या इसकी छाया है, यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे स्तंभ होगा ये छाया हो गया। अब ध्यान से प्रश्न को समझिए, यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो रहा है। कह रहा है कि किसी स्तंभ की ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा, किसी स्तंभ की ऊंचाई उसकी छाया से कड़ी में 3 गुना, गुणा लिखा गया लेकिन यहाँ पे क्या होगा गुना होगा, इसको याद रखिएगा यहाँ पे क्या है गुना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको कह रहा है कि भैया जो ऊंचाई है वो क्या है कड़ी में 3 गुना है, तो हम क्या करते हैं छाया को अगर हम यक्ष मान ले, छाया को हम क्या करें यक्ष माने, तो जो इसकी स्तंभ की ऊंचाई है कड़ी में 3x हो जाएगा। हमको दिया गया है कि भैया कड़ी में 3 गुना है, तो कड़ी में 3 गुना का मतलब क्या है, अगर ये यक्ष है तो ये क्या हो जाएगा कड़ी में 3x हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे थीटा कोण की वैल्यू निकालना है, हम इसको थीटा मान लेते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा फार्मूला होता है टेन थीटा काम करेगा, चूंकि हमारे पास क्या है लंब है और आधार है, तो टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपको दिया गया है कड़ी में 3x और आधार आपको यक्ष है, यक्ष से एक्स कट जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा कड़ी में 3 हो जाएगा। और याद रखिएगा टेन थीटा बराबर, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, टेन थीटा बराबर होता है ये कड़ी में 3 होता है टेन 60 अंश की वैल्यू, भाई टेन 60 अंश के जगह पे कड़ी में 3 लिख सकते हैं, तो मान में कोई परिवर्तन होगा। कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 अंश, तो 60 अंश बिल्कुल क्या है करेक्ट ऑप्शन है, आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सही हो रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये खो वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपके सामने अगला प्रश्न भी आ गया, देख सकते हैं 9 नंबर का प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट और लगातार इस प्रश्न को पूछा भी गया है, तो बिल्कुल ध्यान से इसको समझिएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसके आधार का व्यास बताना है। आपको ऑप्शन दिया गया 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा हमको कह रहा है कि भैया हमारे पास क्या एक लंबवृत्तीय बेलन, बेलन समझ रहे हैं ना, ऐसे क्या होता है कुछ आपका बेलन होता है और यहाँ पे क्या होता है इसका जो आधार होता है वो हमारा क्या होता है वृत्ताकार होता है। आप सभी जानते हैं कि बेलन का आधार कैसा होता है वृत्ताकार होता है। तो यहाँ पे हमको आधार का जो क्षेत्रफल है ना, तो आधार का क्षेत्रफल समझ रहे, ये जो आधार आपका क्या है वृत्ताकार है यानी वृत्त का आकार का है, तो यहाँ पे आपको वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, यानी आधार का क्षेत्रफल का मतलब हो जाएगा पाई
आर स्क्वायर की वैल्यू आपको दिया गया है 9 पाई। आप लोग देख सकते हैं कहते हैं लंबवती बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई है, तो यहाँ पे हमें व्यास निकालना है। तो डी देखिएगा, डी की जो वैल्यू होता है 2r के बराबर, जो व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना होता है, तो यहाँ से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू आपका हो जाएगा 9 और आर की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा कड़ी में 9 और कड़ी में 9 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो आपका प्लस माइनस क्या होगा 3 आएगा, लेकिन आपको प्लस को ही लेना है। तो यहाँ पे आर यानी त्रिज्या की वैल्यू कितना हो गया 3 सेंटीमीटर हो गया, तो व्यास पूछ रहा है, तो डी हमारा क्या होता है 2r के बराबर होता है, तो डी जो आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 × 3 हो जाएगा, इट्स मीन दूत्य कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे घ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल एक एक प्रश्न आपको समझ में आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे छोटा प्रश्न हो बड़ा प्रश्न हो एक एक प्रश्न आपको समझ में आएगा। आप चैप्टर पढ़े हो न पढ़े हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्वाभाज्य संख्या है, किसमें से कौन सा ऐसा युग्म है जो स्वाभाज्य संख्या है। स्वाभाज्य संख्या का मतलब समझ रहे हैं कि उसमें कॉमन एक के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, जिसका एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। तो देखिएगा यहाँ पे 14 35 तो आपका होगा नहीं, क्योंकि 14 35 क्या होता है 7 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी। ग आपको दिया गया 31 43, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे आपका होगा 31 93 है, आप याद देखिएगा ये 43 नहीं है 93 है, और यहाँ पे आपको दिया गया 32 62 18 25, तो आप जानते हैं कि ये भी 31 93 होता तो ये भी कट जाएगा 3 से, और आपको पता है कि भाई ये 2 से भी कट जाएगा, लेकिन 18 25 ध्यान से देखिएगा 18 25 क्या देखिएगा इसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यही हमारा ख वाला क्या हो जाएगा स्वाभाज्य संख्या का क्या हो जाएगा युग्म हो जाएगा, तो ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 11 नंबर का प्रश्न भी आपको दिखाई दे रहा है। 11 नंबर का प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से संबंधित नहीं है। आपको बताना है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से संबंधित क्या नहीं है। आपको पहला माध्य दिया गया है, दूसरा बहुलक है, तीसरा मधिका है, और चौथा आपको मानक विचलन है। तो आपको पता होना चाहिए कि माध्य मधिका और जो बहुलक होता है वो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में आता है, इसमें पढ़ा जाता है, लेकिन जो मानक विचलन होता है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में शामिल नहीं होता है, तो घोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसको याद रखना है। चलिए 12 नंबर का भी प्रश्न देख सकते हैं, बहुत आसान प्रश्न है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न कह रहा है कि भैया हमको 2 बिंदु दिए गए हैं, इनके बीच की दूरी बताना। तो अभी मैंने एक फार्मूला आपको बताया है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आपको लगाना है। यहाँ पे देख लीजिए आपको बिंदु दिया गया है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये x1 की वैल्यू हमको 2 दिया गया है और y1 की वैल्यू हमको 3 दिया गया है, ठीक है ना, x2 की जो वैल्यू हमारा क्या है 4 है और y2 की वैल्यू हमारा क्या है 1 है। फार्मूला में पुट करते हैं, d बराबर होता है यहाँ पे कड़ी में ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस आपका होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अगर यहाँ से स्क्वायर अगर यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे तो कड़ी हट जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा देखिए कितना आ रहा है। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, x2 की वैल्यू आपको 4 है और x1 की वैल्यू आपको 2 है, ठीक है ना, y2 की वैल्यू आपका कितना है 1 है और y1 की वैल्यू आपका 3 है। यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर ये भी आपका क्या हो जाएगा -2 होगा, तो -2 का हम क्या करते हैं स्क्वायर लिख लेते हैं, यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस मैंने लिख दिया था बराबर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ये माइनस है स्क्वायर होगा तो प्लस, 4 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, यहाँ पे कर्णी में 8 और इसका करेंगे तो आपका 2 कर्णी में 2 आएगा, तो 2 कर्णी में 2 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो 4 + 4 कितना होगा 8 होगा और इसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो 2 कर्णी में 2 आएगा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि 2 कर्णी में 2 है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन तो 2 है और दूसरा 2 कड़ी में 3 है, लेकिन चलिए इसके अलावा 2 और ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। आप 2 और ऑप्शन देख सकते हैं, गौ में आपको दिया गया है 2 कड़ी में 2 और गौ में दिया गया है 3, तो यहाँ पे गौ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपको 13 नंबर प्रश्न कराते हैं, लेकिन जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको 13 नंबर का प्रश्न दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि भैया संख्या 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होता है। आपको ऑप्शन दिया गया 10 होता है, 5 होता है, यहाँ पे 8 होता है कि 50 होता है। तो देखिए समांतर माध्य का फार्मूला जो आपका होता है ना वो होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग का मतलब है कि आपको 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या लेना है तो आपको क्या करना, 1 से 9 तक जितनी भी संख्याएं हैं सबको क्या करना आपको जोड़ना है। सिंपली है कि भाई 1 से 9 तक जितनी भी संख्याएं हैं सबको क्या करना आपको जोड़ना है, और कुल जो संख्या है कुल पदों की संख्या कितना है 9 है, इससे क्या करना आपको भाग करना है। तो देखिए सबको जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा
45 आएगा और नीचे 9 है और 9 से भाग करेंगे तो 9 पचे 45 होता है, तो 5 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो खो वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर का प्रश्न आप देख सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपको दो समीकरण दिया गया है, बताना है कि भाई जो समीकरण है इसका हल क्या होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है। तो प्रश्न है कि एक्स माइनस वाई बराबर 2 और एक हमको दिया गया x प्लस वाई बराबर आपको दिया गया है 2। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है ये माइनस है, तो समीकरण को जोड़ेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, 2x बराबर हमारा 4 हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा 4/2 भाग करेंगे तो 2 आपका 4 यानी 2 आ जा रहा है। अब ये वैल्यू आपको क्या करना है, किसी भी समीकरण में पुट करना है। तो हम समीकरण 1 से ले लेते हैं, तो यहाँ पे x की जगह पे हमको भरना है 2 माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस वाई बराबर आपका हो जाएगा 2 माइनस 2, चूंकि ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और 2 में से 2 जाएगा 0, माइनस वाई बराबर हो जाएगा 0, इट्स मीन वाई की जो वैल्यू हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू कितना आया है, 2 आया है और वाई की जो वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है। तो 2 0 हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए हम ऑप्शन में चेक करते हैं कि भाई 2 0 कहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखिए एक्स की वैल्यू 2 वाई की वैल्यू 0, तो x के वैल्यू 2 y की वैल्यू 0, तो ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, माइनस है तो ये तो हमारा होगा नहीं, ये 4 है ये हमारा होगा नहीं, ये 0 है तो ये हमारा होगा नहीं। तो ये 14 नंबर का उत्तर जो हमारा हो जाएगा ख वाला हो जाएगा। तो एक बार मैं प्रश्न को फिर से दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल आसान है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख लेते हैं क्या दिया गया है। 15 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है कि 3 cot A = 4, तो sec A का मान हमें क्या करना है, बताना है। आपको 4 ऑप्शन है, 3/4 है, 5/4 है, 2/3 है और 3/2 है। तो इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका होता है, अगर आप चाहें तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर सकते हैं, पहले आप क्या कीजिए, आधार लंब कर्ण निकालिए, देन उसके बाद से आपका फार्मूला होता है कि sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, उससे निकालिए। या मैं क्या करता हूँ, इसको सर्वसमिका के द्वारा मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए आपको दिया गया है 3 cot A = 4 दिया गया है, तो इसको हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं, cot A बराबर हम लिख सकते हैं 4/3, क्लियर है ना। cot A बराबर क्या हो जाएगा 4/3, चूंकि हमारा गुणा है इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। उसके बाद से देखिएगा sec A की वैल्यू निकालना है, तो sec A बराबर जो फार्मूला आपका होता है कर्णी में आपका होता है 1 + tan² क्या होता है, A होता है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, सर्वसमिका आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब देखिए sec A बराबर आपका हो जाएगा 1 + और tan A के जगह पे हम लिख सकते हैं 1/cot² A, मतलब tan का उल्टा cot होता है, इसको आप लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपली इसके जगह पे वैल्यू को पुट करना है, तो देखिए sec A बराबर आपका हो जाएगा 1 + 1/ और cot A की वैल्यू आपको 4/3 है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर करेंगे तो 4 × 16 और 3 × 3 आपका हो जाएगा 9 और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी sec A बराबर आपको हो जाएगा यहाँ पे 1 + 9/16 हो जाएगा, इसके नीचे 1 मानिए। अब देखिएगा sec A बराबर यहाँ पे देखिएगा हमारा जब यहाँ पे लसा लेंगे यानी एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 16 होगा और यहाँ पे 1 से भाग करेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी 16 + क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और 16 और 9 जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 25/ क्या हो जाएगा 16 और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5/4 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो मैं प्रश्न को दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया है, तो 5/4 आपका करेक्ट ऑप्शन है। आप पाइथागोरस के प्रमेय से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 5/4 आपको ऑप्शन दिखा देते हैं, तो देखिए 5/4 आपका क्या हो जाएगा, ये खोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आपको ना हम 16 नंबर का प्रश्न कराते हैं, तो 16 नंबर का प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, आपको दिया गया है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पे बना कोण 60° है, तो चाप की लंबाई आपको बताना है। देखिए इसके लिए ना आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि भाई चाप की लंबाई का क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या होता है, ये सब फार्मूले क्या होना चाहिए आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि चाप की लंबाई का फार्मूला होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो फार्मूला आपका होता है वो होता है चाप की लंबाई L बराबर जो फार्मूला होता है 2πr θ / आपका क्या होता है 360 यहाँ पे होता है, ठीक ना। आप चाहे तो पूरे के नीचे 360 को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपको R की जो वैल्यू आपको कितना दिया गया, 21 सेंटीमीटर दिया गया है,
थीटा की जो वैल्यू है यानी त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई हम लोग निकाल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। थीटा की वैल्यू आपको 60 अंश दिया गया, बस यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है। देखिए L बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुड़े पाई की वैल्यू होता है 22/7 गुड़े आर की वैल्यू आपको 21 दिया गया है, गुड़े थीटा की वैल्यू आपको कितना दिया गया है 60 दिया गया है, और यहाँ पे बटे हम कर लेते हैं 360, तो यहाँ पे 6×6=36 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कट जाएगा, अगर हम 2 से काटें तो 2×3=6 हो जाएगा, और 3 से काटिए तो 3×7 हमारा क्या होता है 21 होता है, फिर 7×7 कट जाएगा, यानी L की वैल्यू क्या हो रहा है यहाँ पे सिर्फ 22 बच रहा है, तो 22 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो चाप की लंबाई होगा 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूले का आपको याद रखना है, चलिए ऑप्शन में देखते हैं, तो देख सकते हैं 22 सेंटीमीटर यानी घ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको करा देते हैं, प्रश्न जो आपका 17 नंबर का प्रश्न है, ये हमसे कोण पूछ रहा है भैया, हमको कह रहा है कि हमारे पास क्या एक त्रिभुज है, ठीक है ना, जिसमें क्या रहा है ए बी की वैल्यू 6 कर्णी में 3 है, ए सी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, तो कोण बी की वैल्यू बताना है। इसका आंसर मैं बता देता हूं कि यहां पे ख वाला 90 अंश आएगा, ना कि यहां पे पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा। पाइथागोरस प्रमेय कहता है भैया अगर बड़े वाले भुजा का वर्ग अन्य 2 छोटे भुजाओं के वर्गो के योग के बराबर होता है तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय काम करता है, और जहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय काम करता है तो वहां पे आप सभी को पता है कि एक कोण हमारा क्या होता है समकोण होता है। तो चलिए चेक भी करके आपको दिखा देते हैं, जैसे देखिएगा सबसे बड़ा भुजा क्या है 12 है, तो 12 का जब स्क्वायर करिए और अन्य 2 भुजाएं क्या है 6 कर्णी में 3 का आप स्क्वायर कर लीजिए, और प्लस आप क्या करिए 6 का स्क्वायर कर लिए, अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग का अगर बराबर आता है तो पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा, तो 144 हो जाएगा। और यहाँ पे करेंगे तो 6×6=36 और 36 में 3 का करेंगे तो 108 हो जाएगा, और 6×6=36 हो जाएगा, देख रहे हैं ना, 6 का करेंगे तो 36 होगा और कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, फिर 36 का 6 का 3 में गुणा करेंगे तो 108 हो जाएगा, ये हो जाएगा 144 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 144 हो जाएगा, दोनों बराबर है, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लागू हो रहा है तो 90 अंश हो जाएगा। चलिए आपके सामने 18 नंबर प्रश्न का सोल्यूशन, हमने 18 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि हमारे पास एक आंकड़ा दिया गया है जैसे 2, 5, 7, 8, 5, 6, 3, 8, 8 ऐसे करके दिया गया है, आपको बताना है इसका बहुलक बताना है। देखिए बहुलक के लिए सिंपल आपको परिभाषा याद रखना है कि बहुलक के लिए जो आपको परिभाषा होता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही क्या होता है बहुलक होता है। तो देखिए इसमें कौन सा अंक सबसे ज्यादा बार आया है, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें सबसे ज्यादा बार क्या है 8 आया है, तो 8 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हमारा 5 सबसे ज्यादा बार आता तो 5 हो जाता। चलिए 19 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है कि एक समीकरण दिया गया है इसको सॉल्व करना और इसकी वैल्यू बताना, तो इस प्रकार का एक प्रश्न मैंने आपको सॉल्व कराया है, तो अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करा देते हैं, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे समीकरण को लिखते हैं, हमको दिया गया x + x + y = 4 है और एक दिया गया x - y = क्या है 2 है, इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए y से y कट जाएगा, 2x = हमारा 6 हो जाएगा और x की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगा। पे आप किसी भी समीकरण को उठा लीजिए, तो हम 1 को उठाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3+y = आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि हम इस x की जगह पे क्या भरे हैं 3 भरे हैं, y की वैल्यू आपका हो जाएगा 4 - 3 इट्स मीन y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 3, 1 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 3, 1 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न आपको दिया गया है, 20 नंबर प्रश्न आपको दिया गया है कि समरूप त्रिभुजों की विशेषताएं होती है, तो यहाँ पे दिया गया उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, संगत कोण बराबर होते हैं, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 20 नंबर प्रश्न का आपको क्या करना, उत्तर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि भाई जो समरूप त्रिभुज होता है उसकी क्या विशेषता होती है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 19 प्रश्न मैंने आपको बता दिया है, बस एक प्रश्न आपके लिए छोड़ रहे हैं, हम देखेंगे कि किनको किनको समझ में आया है, जिनको समझ में आया होगा कमेंट जरूर करेगा। तो 20 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइएगा कि 20 नंबर का क सही होगा, ख सही होगा, ग सही होगा कि घ सही होगा। आई होप आपको अगर प्रश्न समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करेगा। चलिए यहाँ पे ना आपको यहाँ पे बहुत सारा प्रश्न दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या है खंड ब है, तो खंड ब में भी आपको 50 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए हम खंड ब में आपको दिखा देते हैं कौन कौन से प्रश्न आपको तैयार करना है। तो देखिए आपको समझ में आ गया कि खंड अ में आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, और यहाँ पे खंड ब में देखिएगा आपको जो पहला प्रश्न दिया गया है कह रहा है कि संख्याओं 26, 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लसा आपको ज्ञात करना है, 2 नंबर का प्रश्न आएगा, और MCQ जो आपका होगा 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो देखिएगा इसमें कुछ नहीं करना है, देखिएगा आपके सिलेबस में क्या है अभाज्य गुणनखंड विधि है, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा हम लोग सॉल्व करते थे, ठीक है ना, उसको क्या किया गया सिलेबस में हटा दिया गया, तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या होना चाहिए मौसा और लसा क्या होना चाहिए आना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं खंड ब का सोल्यूशन आपको नहीं करा रहा हूं, अगर हम खंड ब का सोल्यूशन कराएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर पूरा का पूरा आपको हम प्रश्न दिखा देते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपको तैयार करने हैं, किस किस तरह से आपके प्रश्न बोर्ड एग्जाम में
पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोग कमेंट करिएगा ना तो खंडबो का एक अलग से मैं क्या करूंगा, वीडियो बना दूंगा, इसमें पूरा का पूरा आपको सोल्यूशन करा दूंगा। लेकिन बशर्ते आपको कमेंट करना है, पहले पूरा प्रश्न देख लीजिए, अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है, अगर आपको समझ में आता है, अगर आपको भी लगता है कि ऐसे पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं खंडबो का पूरा सोल्यूशन करा दूंगा, चाहे लाइव क्लास में करा दूंगा चाहे रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूंगा। तो पहले पूरा का पूरा आप लोग प्रश्न समझ लीजिए। तो देखिए खंडबो में पहला जो प्रश्न मिलेगा इसमें लिखेगा सभी खंड कीजिएगा, ठीक है ना, चाहे सभी प्रश्न कीजिएगा। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको क्या करना है, मौसा और लसक ज्ञात करना है, ये दो नंबर का आएगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि एक त्रिभुज की आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, ये दो नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद से देखिएगा आपसे जो प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि कर्णी में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो आप सभी जानते हैं कि ये प्रश्न पूछा जाता है। ग नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 15वां पद ज्ञात कीजिए, तो 9वां पद आपके सिलेबस में समांतर श्रेणी का प्रश्न है। तो पूरा प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए, पीडीएफ नोट भी आपको मिल जाएगा, इस पूरे प्रश्न को आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम देने है, अभी बहुत समय है। अगर आप चाहें तो बिल्कुल 70 में 70 नंबर पा सकते हैं, बिल्कुल आपके सामने मॉडल पेपर मैं बता दिया हूं, बिल्कुल ऐसे ही पेपर आपके सामने आने वाला है। देखिए जो पहला प्रश्न होगा ना उसमें क्या होंगे, आपको 6 प्रश्न दिए जाएंगे या अंग मैंने बता दिया। देखिएगा 4 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया त्रिकोणमिति का है, आपको मान ज्ञात करना है, ये भी 2 नंबर का प्रश्न, यानी पहला जो खंड ब में होगा 12 नंबर का प्रश्न, आपको 6 प्रश्न पूछा जाएगा, इसको याद रखना है। और जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूं इन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करेगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसका एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। चलिए यहां पर देखिएगा आपको कह रहा है कि यहाँ पे 2 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, खंडों का मतलब यहाँ पे प्रश्नों से समझिएगा, किसी 5 प्रश्न को आपको हल करना है। यहाँ पे आपको कह रहा है कि एक प्रश्न दिया गया कि 2 अंकों से बनी एक संख्या है, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न आपको रचना दिया गया, आप लोग पढ़ सकते हैं, रचना क्या दिया गया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, स्पर्श रेखा की लंबाई आपको नापना है। तो याद रखिएगा जो 2 नंबर का प्रश्न होगा वो 4-4 नंबर का प्रश्न होगा, यानी 4×5 20 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आपको क्या होगा 5 प्रश्न करना है और 4 नंबर का है, तो 4×5 20 हो जाएगा। ग नंबर का प्रश्न आप देख सकते हैं कि ऊंचाई दूरी से दिया गया है कि 60 मीटर ऊंचे पहाड़ की चोटी से एक मीनार के शीर्ष तथा आधार की अवनमन कोण 30 और 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। ग नंबर का प्रश्न आपको दिया गया कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से क्या करना, आपको माध्य ज्ञात करना है, तो इसको स्क्रीन पे मैं लगा देता हूं, यहाँ पे फिलहाल प्रिंट नहीं हो पाया है तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व करना है। अंग नंबर का प्रश्न आपको दिया गया, देख सकते हैं कि भैया 10 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर क्या करते हैं 90 अंश का कोण बताती है, तो आपको लघु वृत्तखंड का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। अब देखिएगा यहाँ पे आपको 5 प्रश्न करना है, ठीक है ना, 5 प्रश्न ही आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे 3 नंबर का जो प्रश्न है आपसे कह रहा है कि भैया एक नाव की शांत जल में चाल जो आपका है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटे में 4 घंटे 30 मिनट में पूर्ण कर दिए, तो धारा की चाल बताना है, ये भी प्रश्न आपको देख लेना है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे अथवा करके भी एक प्रश्न देगा, उसको भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे 3रा नंबर का जो प्रश्न रहेगा अथवा करके देगा, तो दोनों में से कोई एक आपको करना है, ये 6 नंबर का प्रश्न आएगा, आपको याद रखना है। अथवा में करके दिया है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल के आपको हल करना है, तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा यहाँ पे 4 नंबर का जो प्रश्न होगा ना, यहाँ भी आपको अथवा करके दिया जाएगा, 2 प्रश्न आपको दिया जाएगा, कोई एक करना है, तो आप देख सकते हैं या तो ये ऊंचाई दूरी का प्रश्न करिए, आपको दिखाई दे रहा है, पढ़ सकते हैं, अथवा ये जो त्रिकोणमिति का प्रश्न दे रहा है इसको आपको सॉल्व करना है, तो कोई एक कर सकते हैं, ये 12 नंबर का हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो 5 नंबर का जो प्रश्न होगा ना, इसमें भी आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे, 6-6 नंबर का प्रश्न होगा, लेकिन कोई एक करेंगे तो आपको 6 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, या आपको क्या किया गया है यहाँ पे देख सकते हैं मेंसुरेशन से सवाल दिया गया, इसको सॉल्व करिए, आपको क्या होंगे 6 नंबर मिलेंगे। और देखिए 5वां नंबर का प्रश्न था, यही हमारा क्या है गणित का लास्ट प्रश्न होगा, आपका क्या होता है 70 नंबर का प्रश्न कंप्लीट होता है, 30 नंबर आपका क्या होता है स्कूल से मिलता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं, किस तरह का पेपर आने वाला है, कौन कितने नंबर का प्रश्न आएगा, कैसे आपको तैयारी करना है, अथवा में कैसे करना है, सारी चीज आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर चाहते हैं सभी विषयों के इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर वायरल मॉडल पेपर का सोल्यूशन करना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, पीडीएफ नोट के लिए हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिए। अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो हम क्या करेंगे खंड ब का सोल्यूशन आपको करा देंगे, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके मन में कोई सवाल होगा तो जरूर पूछिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।